भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज 6 दिसंबर से शुरू होने वाली है। और दोस्तों इस जबरदस्त सीरीज के लिए अब बीसीसीआई ने भारतीय टीम की भी घोषणा कर दी है। और आज इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक सीरीज के लिए भारतीय टीम का T20 और वनडे मैचों के लिए पूरा स्क्वाड बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का पूरा स्क्वाड जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। और अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम इस सीरीज में भी एक जबरदस्त जीत हासिल करे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अभी कर दीजिए। और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगर इस सीरीज के लिए हम सबसे पहले भारतीय टीम का T20 स्क्वाड के बारे में बात करें तो दोस्तों T20 स्क्वाड के बल्लेबाजों की सूची में आते हैं रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे और साथ ही साथ कप्तान विराट कोहली। विराट कोहली दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में उन्होंने रेस्ट लिया था तो वह इस T20 सीरीज में अपनी वापसी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये 6 बल्लेबाज हमको इस T20 सीरीज में दिखने वाले हैं। तो दोस्तों अब अगर विकेट कीपर की बात करें तो दोस्तों इस T20 सीरीज के लिए मात्र एक विकेट कीपर का चयन किया है जो कि है दोस्तों ऋषभ पंत। संजू सैमसन को दोस्तों बिना खिलाए ही टीम से ड्रॉप कर दिया गया है तो अब ऋषभ पंत के ऊपर ही पूरी T20 सीरीज के लिए विकेट कीपरिंग की कमान रहने वाली है। तो दोस्तों अब अगर ऑलराउंडर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों इस सीरीज में भारतीय टीम ने मात्र 3 ऑलराउंडर्स का चयन किया है जो कि है रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और साथ ही साथ शिवम दुबे। दोस्तों इस सीरीज में कृणाल पंड्या को भारतीय टीम ने ड्रॉप कर दिया है तो मात्र 3 ही ऑलराउंडर्स भारतीय टीम की तरफ से दिखने वाले हैं। तो दोस्तों अब अगर अंत में T20 सीरीज के लिए गेंदबाजों की सूची देखी जाए तो दोस्तों इस सीरीज में कुल 5 गेंदबाजों का चयन हुआ है जो कि है दोस्तों मोहम्मद शमी, जिनका बहुत समय बाद T20 सीरीज में कमबैक हुआ है। उसके बाद दोस्तों भुवनेश्वर कुमार जो कि यह भी दोस्तों अब T20 में अपना कमबैक कर रहे हैं, दीपक चहर, यूसी चहल और कुलदीप यादव भी T20 सीरीज में अपनी वापसी कर रहे हैं। दोस्तों 5 गेंदबाजों में से मात्र यूसी चहल और दीपक चहर ही ऐसे हैं जो T20 सीरीज में लिए लगातार भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का रहने वाला है इस सीरीज के लिए T20 मैचेस का स्क्वाड। तो दोस्तों अब अगर ODI मैचेस के स्क्वाड के बारे में बात करें तो दोस्तों वनडे मैचों के बल्लेबाजों की सूची में आते हैं केएल राहुल, रोहित शर्मा जिन्होंने रेस्ट नहीं लिया, शिखर धवन, कप्तान विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और साथ ही साथ मनीष पांडे। तो ODI सीरीज और T20 सीरीज में बल्लेबाजों की सूची सेम रहने वाली है। तो दोस्तों अब अगर विकेट कीपर के बारे में बात करें तो इस सीरीज में भी हमको मात्र एक विकेट कीपर दिखने वाला है जो कि होंगे दोस्तों ऋषभ पंत। ऑलराउंडर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों यहां पर भी हमको कुल 3 ऑलराउंडर दिखने वाले हैं जो कि है केदार जाधव, रविंद्र जडेजा और साथ ही साथ शिवम दुबे। तो दोस्तों अब अगर वनडे मैचों के लिए लास्ट में गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजों का लाइनअप भी दोस्तों बिल्कुल सेम रहने वाला है जो कि है भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, यूसी चहल और साथ ही साथ दीपक चहर। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का रहने वाला है वनडे मैचेस के लिए स्क्वाड। दोस्तों MS धोनी ने अपने आप को इस वेस्ट इंडीज सीरीज से भी अनअवेलेबल कर लिया है तो इस सीरीज में भी हमको महेंद्र सिंह धोनी नहीं नजर आने वाले हैं। दोस्तों इस सीरीज में भारतीय टीम के लिए शिवम दुबे और साथ ही साथ दीपक चहर ने दोस्तों वनडे मैचों में इनका कमबैक हुआ है। शिवम दुबे को दोस्तों पहली बार ODI सीरीज के लिए स्क्वाड में वापसी मिली है और दोस्तों साथ ही साथ दीपक चहर की इंग्लैंड सीरीज के बाद पहली बार वनडे सीरीज में वापसी हुई है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का रहने वाला है इस T20 और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का 15-15 सदस्य का पूरा स्क्वाड। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम इस T20 और ODI सीरीज में जीत सकती है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों शेयर कीजिए, और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अब हम इंस्टाग्राम पर भी बड़ा मजेदार कंटेंट फॉलो करते हैं, तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे इंस्टाग्राम का अकाउंट को भी फॉलो कीजिए और मजेदार कंटेंट का फायदा उठाइए।